हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पनीर स्टफ गार्लिक नान की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, जैसे हम रेस्टोरेंट या होटल में खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसे बनाने के लिए ना तो हमें अवन की ज़रूरत है और न ही ईस्ट। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए पनीर स्टफ गार्लिक नान बनाना शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम नान के लिए आटा लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 बड़े चम्मच पीसी हुई चीनी, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और आधा चम्मच बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा ऐड कर देंगे। और अब हम सारे सूखे इन्ग्रीडियंट को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 3 चम्मच के लगभग में दही डाल देंगे। तो दही हमें बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लेना है, मीठी दही का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम 2 चम्मच के लगभग में कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे बिना फ्लेवर का, जैसे रिफाइंड या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और ऑयल का आटे में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके हल्का गुनगुना दूध डालेंगे और इसका हम सॉफ्ट सा आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। दूध हमें हल्का गुनगुना लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा। इसे हमारे नान बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। और दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसमें बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगा कर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने नान के लिए आटा लगा कर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और ऐड करेंगे और इसके बाद आटे को अच्छे से चिकना कर लेंगे। और इसके बाद हम आटे को ढक कर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। यदि आपके पास टाइम है तो 1 घंटा रख सकते हो, नहीं तो आधा घंटा रखना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं स्टफिंग बनाने के प्रोसेस में। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बॉईल किया हुआ 1 बड़े साइज़ का आलू लिया है। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 200 ग्राम के लगभग में पनीर। पनीर को भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ 1/2 छोटी चम्मच अदरक, 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच के लगभग में इसमें ऐड कर देंगे क्रश किया हुआ धनिया, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, आप चाहे तो धनिया को स्किप कर सकते हैं। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, नान के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट स्टफिंग बनकर तैयार है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं और आटा को चेक कर लेते हैं। तो आटा को भी रखे हुए करीब 1/2 घंटा हो गया है। अब हम इसको एक बार मिला लेंगे 1-2 बार इस तरह से। और ये देखिए, आटा बहुत अच्छे सेट हो गया और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब हम छोटी छोटी लोइयों को तोड़ लेंगे और उसको अपने हाथों से अच्छे से चिकना कर लेंगे। और इसके बाद हम इसको बीच में प्रेस करते हुए इस तरह से बाउल की तरह बना लेंगे बड़ा सा, क्योंकि इसमें हम स्टफिंग भरेंगे, ये देखिए। और इसके बाद हम इसमें 2 से 3 चम्मच स्टफिंग भर देंगे। जितना ज़्यादा स्टफिंग भरेंगे आपका नान उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। और इसको स्टफिंग को हम अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से सील कर देंगे, ये देखिए। और जो एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा उसको हम निकाल देंगे और इसको हम इस तरह से सील कर देंगे और इसको प्रेस कर देंगे। और थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसको पहले अपने हाथों से फैलाएंगे अच्छे से, ताकि इसे बेलने में आसानी हो। डायरेक्ट यदि आप इसे बेलन से ला देंगे तो स्टफिंग बाहर निकल आएगी। तो पहले जितना ज़्यादा हो सके पहले हाथों से फैला देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा छिड़क देंगे और हल्के हाथों से बेलन चला देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस करके बेलन नहीं चलाना है, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। इसको हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना, बस हल्का सा प्रेस करना है और इसे हमें मोटा ही रखना है, क्योंकि ज़्यादा पतला करेंगे तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। और इसके बाद हम पानी से इसके ऊपर ब्रश कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम तिल छिड़क देंगे, सफ़ेद तिल, और इसके बाद थोड़ी सी कलौंजी, ताकि नान देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। इसके बाद इसे अपने हाथों से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि तिल और कलौंजी नान के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम इसको सावधानी से उठाएंगे और गर्म तवे पर डालेंगे, ये देखिए। और फ्लेम को हमें लो रखना है, लो फ्लेम पर इसको ढक कर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। ध्यान रहे, फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है, हाई या मीडियम नहीं करेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको पलट देंगे और फिर से दूसरे साइड से भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। यदि आप फ्लेम को हाई या मीडियम करोगे तो नान ऊपर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए, मैंने दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और नान दोनों तरफ से अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हम इस नान को बाहर निकाल लेंगे और अब हम बनाएंगे पनीर स्टफ गार्लिक नान। तो इसको हम निकाल देते हैं और सेम तरीके से मैंने दूसरा नान ही बेल कर तैयार कर लिया पनीर स्टफ़ करके। इसके ऊपर हम पानी से ब्रश कर देंगे और अब हम इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालेंगे। आप चाहे तो लहसुन को बारीक काट सकते हैं और थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और हल्के हाथों से बेलन चला देंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करना है ताकि लहसुन और धनिया अच्छे से चिपक जाए नान के ऊपर। अब हम इसे भी सेम तरीके से सेक लेंगे।
और जब तक ये नान सीख रही है, इतने में हम दूसरे नान पर बटर लगा लेते हैं। गरम गरम नान में हमें बटर लगाना है ताकि और भी ज़्यादा सॉफ्ट रहे। तो मैंने यहाँ पर गार्लिक बटर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो प्लेन बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बटर से हम इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे, दोनों तरफ हमें अच्छे से बटर लगाना है। और ये देखिए हमने जो गार्लिक नान बनाया था कितना अच्छे से फूल गया है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं, इसमें भी हम बटर लगा लेंगे। तो दोनों ही तरीके आसान हैं, जो भी फ्लेवर में आप नान बनाना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नान बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपके मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में।